कुछ मेजोरिटी पीपल है जो उन लोगों का पता है जो हम लोगों का हिंदू नहीं चाहिए, एलई नहीं चाहिए, उसका हम लोग खुद विरोध करता है। तो ऐसा ही है, तो हम लोगों का जैसा स्टूडेंट है, हम लोगों का स्टूडेंट प्रोटेक्शन देता है। भारत में बांग्लादेश के कई छात्र भी अलग अलग कोर्सों में पढ़ाई करते हैं देश के अलग अलग शहरों में, और हमारे साथ इस वक्त ऐसे ही दो छात्र हैं जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं और ढाका जिले के हैं, और ये गुवाहाटी में जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। ये दो लोग मौजूद हैं और फिलहाल ये कूच बिहार के ICP पे हैं और यहाँ से अब वो आगे का रुख करेंगे। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आफ्ताब खान। आफ्ताब, ये बताइए कि अभी मौजूदा माहौल कैसा है, जो आंदोलन हुआ और उसके बाद जिस तरीके से चीजें बदली, क्या माहौल है बताया जा रहा है? हिंसा का माहौल बना हुआ था बहुत जगह। हाँ, ये तो सही है, थोड़ा दंगा चल गया वो में हमारा कंट्री में। वो क्या है ना, वो डिक्टेटर गवर्नमेंट थोड़ा डिक्टेटर ही कर लिया, तो हम लोगों का तो फ्रीडम कंट्री है, तो फ्रीडम कंट्री में ये ऐसा डिक्टेटर नहीं चलता। तो हम लोगों का डिसाइड नहीं है, ये डिक्टेटरी बर्दाश्त नहीं होता होना चाहिए, तो हम लोगों का चाहिए, तो हम लोगों को उसको रिजाइन देने के लिए बोला, लेकिन चला गया। ये अच्छा, ये बताइए कि भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको चिंता है कि जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, हिंदू हैं, खास करके आपके दोस्त यार भी होंगे, उनको बड़ी चिंताएं हैं कि उनके साथ बुरा हो, और ऐसी कुछ तस्वीरें भी आई कि नुकसान पहुंचा है मंदिरों को, ये वो, तो उनको लेकर अब क्या है लोगों के मन में कि कैसे उनका साथ देना करना, या जो लोग ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा, लेकिन हम लोगों का मन में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक ही है, भाई भाई है। तो कुछ मेजोरिटी पीपल है जो उन लोगों का पता है तो हम लोगों का हिंदू नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उसका हम लोग खुद विरोध करता है। तो ऐसा ही है, तो हम लोगों का जैसा स्टूडेंट है, हम लोगों का स्टूडेंट प्रोटेक्शन देता है, जितना मंदिर है जितना ये है सब हम लोग रात में पहाड़ देता है, वो ऐसा ही चलता है, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, हम लोग ऐसा ही जानते हैं। वो वो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश है, तो हम लोग चाहिए पीसफुल डेमोक्रेसी चाहता है, हम लोग ऐसा ही जानता है, हिंदू मुसलमान सब समान है, हम लोग भाई भाई हैं। आप तो पढ़ रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग राजनीति के आड़ में जो है नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, लोग बॉर्डर्स पर पहुंच के निकलना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि कम से कम ये सब ना हो चीजें? देखिए, पॉलिटिशियन का नॉलेज तो मेरा थोड़ी कम ही है, तो मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं करता हूँ, तो उसका मन में क्या चल रहा है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोग ऐसा ही बोलता है सब पॉलिटिशियन को, जो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करेगा वो अच्छा से होना चाहिए, कोई पॉलिटिक्स में कोई क्या बोलते हैं वो कोई कुछ गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, सबके साथ बराबर, सबके साथ। अच्छा, ये बताइए कि आपको पता, आप हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहा जाता है, लेकिन हमने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनको आप बंगबंधु भी कहते हैं, जिन्होंने एक बनाने में भूमिका निभाई, उनकी मूर्ति, म्यूरल्स, तस्वीरों को नुकसान पहुंचाया गया, आपको लगता है कि ये उचित हुआ जो हुआ वहां पर? देखिए, मेरा हिसाब से तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन हमारा कंट्री का पीपल थोड़ा इमोशन है, तो वो जो डिक्टेटर चला गया, तो डिक्टेटर का वो जब किया ऐसा काज किया, तो हम लोगों को वो थोड़ा इमोशन कर लिया, तो पीपल इमोशन से ही कर लिया ये, तो वो एक, एक, एक फीलिंग है उस पूरे फैमिली के खिलाफ। हाँ, वो हमारा फाउंडर ऑफ बांग्लादेश है, वो रहेगा, हर दिन रहेगा। वो आपके करेंसी पे भी तो छपे हुए हैं? हाँ, करेंसी तो छपा है, लेकिन अब तो नया वाला सरकार आ गया, तो इंटरनी गवर्नमेंट आ गया, इंटरनी गवर्नमेंट जो सिद्धांत लेगा वो उसका मर्जी है।